उपेंद्र कुशवाहा जी नामांकन पर्चा और नामांकन की जो सभा में भीड़ थी और लगातार 5 बजे से ज्यादा तक जो भीड़ बनी थी, कुशवाहा जी पहली बार हो रहा है कि नामांकन सभा में इतने देर तक लोग जुटे रहे हैं। बिल्कुल, इसका कारण है एक तो जबरदस्त भीड़ हुई। हमने तो मन से भी कहा कि खुद भी हम नहीं सोचते थे कि इतनी भीड़ होगी, उतनी भीड़ हो गई। तो भीड़ भी जबरदस्त थी और आराम से लोगों ने इत्मीनान से भाषण भी सभी लोगों का सुना। तो इससे स्पष्ट है कि सब लोग मन में संकल्पित हैं, सब लोगों ने मन बना लिया है NDA के पक्ष में, इसलिए लोग उतनी देर तक बैठे रहे और इतनी बड़ी संख्या में आए। कुल मिलाजुलाकर एक तरफा है NDA के पक्ष में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जी, BJP के नेता भी, प्रदेश अध्यक्ष और बाकी जो मंत्री है, वो भी बड़े विलंब से पहुंचे, लेकिन अंत में भी उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो घर घर जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, आइए, 5 पार्टी का गठबंधन है, सब पार्टी अपने अपने हिसाब से मजबूती से लगी हुई है, तो जरूरत पड़ने पर तो घर घर जाने के बाद हर मतदाता तक जाकर आग्रह करना, यह तो ड्यूटी बनती है हम लोगों की। और उस हिसाब से उन्होंने ठीक ही कहा है, मतलब कि हर तरह से लोग जैसा चाहते हैं उस तरह से कैंपेन करना और फिर लोगों का समर्थन जुटाना। आपने एक चीज कहा कि अगर इस बार जनता ने हमें भरोसा दिया, टिकट रिन्यूअल किया, तो जो अधूरे काम है, आपने गिनाए हैं कई अधूरे काम, उसको पूरा करना पहली प्राथमिकता होगी। हाँ, निश्चित रूप से जो काम पहले आधा अधूरा रह गया, किसी कारण से नहीं हो पाया पूरा, उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको पूरा करेंगे, और साथ ही साथ नया हुकुम भी जो लोगों की ओर से होगा उसको भी करेंगे। और इस बार तो अनुकूल परिस्थिति है, दिल्ली में NDA की सरकार, पटना में NDA की सरकार, और लोगों ने NDA के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आशीर्वाद दिया, तो काम करने में कोई कठिनाई ही नहीं होगी। एक सवाल, आपने कहा कि पिछले बार अनुभव की थोड़ी सी कमी थी, इस बार तो हर जगह से ठोकर भी लगी है, तो अनुभव ज़्यादा हो गया? हाँ, निश्चित रूप से आदमी को जब ठोकर लगता है तो स्वाभाविक रूप से सीखता है उससे आदमी। और सब लोगों को मालूम है, एक तो मंत्री बनकर काम करने का अनुभव मिला, और दूसरा कि राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव, किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो आदमी ज़्यादा सीखता है, और ज़िंदगी अगर सपाट चलती रहे तो आदमी ठीक से नहीं सीख पाता है। तो मेरे जीवन में कितना उतार चढ़ाव राजनीतिक जीवन में आया है, लोग भी देख रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा कहा। आखिरी सब सवाल की सर, काराकाट के लोगों को कोई संदेश? नहीं, सब लोगों से आग्रह है, अपील है कि सब लोग मिलकर आशीर्वाद दें और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए और काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करें। वह भी कहेगा कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बने, यही स्थिति है चारों तरफ पूरे देश में। सर, गठबंधन दलों का कितना सहयोग मिल रहा है आपको? पूरा सहयोग मिल रहा है। गठबंधन देखिए, हर जगह जहाँ भी उम्मीदवारी जिस पार्टी की भी है, लेकिन पूरा गठबंधन लड़ रहा है, कहीं भी यहाँ हो या कहीं भी, गठबंधन में जितनी पार्टी है सबका सामूहिक उम्मीदवार कोई होता है, इसलिए यहाँ भी वही स्थिति है, सारे दल के लोग लगे हुए हैं, पूरी एकजुटता से लगे हुए हैं। सर, आरक्षण को लेकर कहा जा रहा है, अजीत तेजस्वी जी का बयान आया है कि नादान है NDA वाले। अरे भैया, चिराग पासवान, कोई मतलब ही नहीं है उसको, तेजस्वी यादव या विपक्ष के जो लोग हैं, कोई मुद्दा तो है नहीं उन लोगों के पास, जनता तो कहीं समर्थन दे नहीं रही है, तो अनर्गल बात बोल करके, कुछ भी बोल करके जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। आरक्षण कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं समाप्त कर सकती है, इसलिए ये लोग बोलते रहे, लोग नहीं उनके ऊपर भरोसा करने वाले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।